Welcome and welcome back to the new video. I hope you all are safe and doing great. आज मैं आप सबके लिए एक मजेदार वीडियो लेके आई हूँ, हर्ष राजपूत की नई वीडियो एग्जाम की तैयारी। इससे पहले उनकी यूपीएससी की तैयारी का रिएक्शन मेरे चैनल पे बहुत वायरल हुआ है, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं आई बटन में दे दूंगी। तो ये वाला जो वीडियो है वो है एग्जाम की तैयारी। किसी ने कहा था कि इनके टैटू वाले वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने के लिए, तो वो भी मैं लाऊंगी। फिलहाल के लिए हम देखते हैं कि एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है। वैसे मेरी एग्जाम मई के साइड में है, तो मैं तो एक दिन पहले पढ़ूंगी, मतलब एक रात पहले पढ़ूंगी। सो एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है देखते हैं, और हम बाद में डिस्कस करेंगे कि हम सबको वीडियो कैसे लगा। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1 2 3 बूम। यही साला एक दिन बाहर के चल रहा है, नंदा ही निकल रहा है साला। एग्जाम की तैयारी है, यूपीएससी की तैयारी मुझे तो याद है। नमस्कार, आपका स्वागत है धाकड़ न्यूज के ताजा तरीन एपिसोड में। आप देख रहे हैं धाकड़ न्यूज, विश्व का सर्वश्रेष्ठ न्यूज नेटवर्क, सिर्फ धर्मेंद्र धाकड़ के साथ। अभी देखिए एग्जाम का टाइम चल रहा है जी, तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे एक लाइब्रेरी में, रास्कल लाइब्रेरी। तो यहाँ पे बहुत स्टूडेंट का भी डिमांड है कि मतलब रास्कल लाइब्रेरी में जाके आप वीडियो बनाइए, क्योंकि यहाँ पे सीट बहुत ही कम मिलता है। तो यहीं हम आए हैं देखने कि मतलब स्टूडेंट किस तरह से तैयारी कर रहा है, चाहे जनरल कंपटीशन हो या चाहे किसी भी चीज का हो। तो आइए मेरे साथ, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे है ये, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे। आप लोगों ने ज्वाइन किया लाइब्रेरी? जी जी जी। तो कैसा है? ठीक है, पीसफुल माहौल है। पीसफुल माहौल है, ठीक है। तो यहाँ की मतलब सीट वीट कैसा है? काफी कंफर्टेबल है सर यहाँ का सीट। तो सीट कंफर्टेबल है, बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसा कि आपने देखा कि लाइब्रेरी में रास्कल लाइब्रेरी है, एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन लाइब्रेरी के बाहर ही सब इन लोग का ये सब रंडी रोना चलते रहता है। तो ये भी देखना जरूरी है कि मतलब किस तरह से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। एडमिशन लेते हैं अंदर, तो बाहर क्या कर रहे हैं? अंदर घुस के पढ़िए। यहाँ पे आओ जी मेरे साथ, यहाँ पे देखिए यही लाइब्रेरी है, बहुत लंबा चौड़ा लाइब्रेरी है जी। ये देखिए यहाँ पे सुंदर लाइब्रेरी है, ऑफिस है। यहाँ पे आइए मेरे साथ, आओ जी। हमारे लाइब्रेरी में बस एक ऑफिस है जी, लाइब्रेरी का बुक्स आप ही देख रेख करते हैं जी। क्या नाम है आपका, हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। मुकेश टिक्का। मुकेश टिक्का जी, मतलब तो इस लाइब्रेरी में क्या क्या फैसिलिटी है, और ये पहले बताइए कि इस लाइब्रेरी का चार्ज कितना है? सर यहाँ पे घंटे के हिसाब से। घंटे के हिसाब से, मतलब जितना घंटा करेगा। तो ये देखिए जैसे मेरे को होटल बुक किए थे, कम हुआ एक एक घंटा की, लेकिन चार्ज 24 घंटा का ले लिया था। तो ये बेस्ट चीज़ होता है लाइब्रेरी में कि जितना घंटा यूज करो उतना पैसा दो। फैसिलिटी क्या क्या है थोड़ा? सर यहाँ पे सुविधाएं तो बहुत है। अच्छा। जिसकी आपको लाइब्रेरी में एसी नहीं मिलता। अच्छा। यहाँ पे 24 घंटा कुछ भी हो जाए। अच्छा। आपको एसी फुल स्पीड से चालू मिलेगा, एसी चलता रहेगा, मतलब भले स्टूडेंट की गांड फट जाए ठंड से लेकिन एसी चलता रहेगा जी। तो और क्या फैसिलिटी है यहाँ पे? सर यहाँ पे 3 टाइम चाय मिलता है। अच्छा। न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह, और 800 GB का इंटरनेट है। अच्छा, फोन डाउनलोड कर सकते हैं लगभग बहुत आसानी से, 800 GB तक मिलेगा। हाँ, 800 GB का इंटरनेट है। और प्राइवेट लॉकर, जैसे कि स्टूडेंट को पढ़ते पढ़ते स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाता है, तो हमने उनके लिए स्पेशली स्ट्रेस रिलीफ रूम बनवाया। अच्छा, जो जिसको मतलब टेंशन हो जाता है, स्ट्रेस रिलीफ रूम जी। ये बहुत अच्छी चीज़ आपने सोची है कि पढ़ते पढ़ते बहुत टेंशन हो जाता है आदमी के, तो उसके लिए एक स्ट्रेस रिलीफ रूम भी है जहाँ पे आदमी का मतलब चाय पानी का व्यवस्था होगा। तो अंदर देख सकते हैं हम एक बार आपकी लाइब्रेरी? हाँ आप देख सकते हैं जी। तो आइए मेरे साथ देखिए इनकी जो रास्कल लाइब्रेरी है यहाँ पे, वहाँ हम आए हैं और स्टूडेंट किस तरह से क्या करते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे चल के। और क्योंकि एक स्टूडेंट लाइफ का भी एकदम लाइफ को टच करना बहुत जरूरी है ना, इसके बारे में कोई बात नहीं करता इस साला। तो आइए मेरे साथ यहाँ पे देखिए, आइए इधर जी, देखिए काफी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं पीसफुल। अरे बहन चोद, लग रहा है 5G का स्पीड से एकदम डाटा ट्रांसफर कर रहा है। देखिए तुरंत एकदम किताब में लिखल का AI की मदद से छाप लेगा अपने में। अरे बाप रे, हेलो 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 भाई साहब, भाई क्या कर रहे हैं ये है? याद कर रहे हैं। याद कर रहे हो तो इसे हिल के जल्दी याद होता है का? पढ़ क्या रहे हो इसे, क्या याद आप कर रहे हो? क्यों आए हो डिस्टर्ब करने? घूर्णन। घूर्णन का मतलब है किसी वस्तु को अपने धुरी पे घूमने की गति। अच्छा, मतलब पृथ्वी को अपने अक्ष पे घूमने को घूर्णन कहा जाता है। अच्छा, वही पृथ्वी अगर सूरज के चारों तरफ घूमे तो घूर्णन रोटेशन हो गया, तो सूरज के चारों तरफ घूमे तो परिक्रमण हो गया, रिवॉल्यूशन। मतलब अच्छा, ये रोटेशन रिवॉल्यूशन मतलब पृथ्वी पर पड़ रहा। तो इसी में से सवाल पूछते हैं हम तुमसे, बताओ घूर्णन यानी कि रोटेशन क्या है?
रोटेशन घूर्णन अभी पढ़ा ना जी, अभी जो पढ़ के बता, पढ़ो फिर से पढ़ो। पृथ्वी को अपने अक्ष पे घूमने को घूर्णन कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। ठीक है, तो वही तो हम सवाल तुमसे पूछ रहे हैं, जैसे पढ़ा ना तो फिर यही सवाल हम तुमसे पूछ रहे हैं, बताओ घूर्णन क्या है। घूर्णन पृथ्वी को घूमता अभी साला पढ़ रहा है सामने ना पढ़ रहा है जी कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमता तो घूर्णन कहते हैं। दिमागा कहाँ है जी, देखिए 6 मैसेज आयल है साला के, ये UPSC जागो, तुम मुझे बिल्कुल समय नहीं देते हो, तुम बहुत सेल्फिश हो, मैं तुमसे बात नहीं, क्यों क्या जी गर्लफ्रेंड है हैं? तब दिमागवा साला घूर रहा है, इसे हटा के पढ़ना ना चाहिए हैं? साला पढ़ा ही नहीं होगा तो गर्लफ्रेंड बोलेगी बहन जो कौन है चुतिया, मतलब देख लो पढ़ लो, कुछ नहीं कहा जा सकता कि गर्लफ्रेंड वगैरह। बेटी कहाँ जा रहा है, पढ़ाई का टाइम है, एग्जाम का टाइम है, कहाँ उठ के जा रहा है? मेरे एक चाचा जो थे वो कहा करते थे कि मतलब पढ़ना है तो अपना जो गांड है उसको रोप दीजिए कुर्सी में, जैसे आप धान रोपते हैं, चावल ये सब रोपते हैं ना खेत में, उसी तरह गांड को रोप दीजिए, एकदम हटना नहीं चाहिए, और तब तक यहाँ पे बैठ के पढ़ो बहन, जब तक UPSC ना क्लियर हो जाए, समझे? मगर मैं तो बैंक की तैयारी कर रहा हूँ। बैंक का तैयारी कर रहे हो जी, अब अभी लंच ब्रेक होगा तुम्हारा जी, तो फिर मैथ्स पे ध्यान दो। ये देखिए बैंक का ही तैयारी यहाँ पे कर रहा है, और भी कहाँ रे, कहाँ जा रहा है? बाथरूम जा रहा है। हाँ? बाथरूम जा रहा है, अभी एग्जाम आने वाला है ना। हाँ जी, तो बाथरूम काम दे देगा कि पढ़ाई काम देगा? हैं, बाथरूम काम देगा नहीं ना, पता चले ये पढ़ो एग्जाम का तैयारी करो, और इतना मतलब बन जाओ कि बाथरूम तुम्हारे पास है, तुमको बाथरूम के पास नहीं जाना पड़े, समझ में आया? बैठो पढ़ो। मोटिवेशन है, किसी को रोपने ही नहीं आता है, तुरंत उठ के निकल देगा, तुरंत उठ के निकल देगा, रोपिए, जब तक आप रोपते नहीं है तब तक कुछ नहीं होगा यहाँ पे। रोकिए। बाकी का जी आप भी स्टूडेंट है यहाँ के लाइब्रेरी के? वाईफाई वाला हूँ। वाईफाई बनाने आए हैं, फोन में क्या कर रहे हैं? उसको समझा दिए, अभी इधर चलते हैं हम, आइए वापस। वाह, एक भी लड़कियां नहीं है। ये देखिए इसको ओयो बना दिया है। हेलो हेलो भाई साहब, यहाँ सोने आते हो कि पढ़ने आते हो? सोने आते हो यहाँ पे? घर पे बेड उड़ नहीं लगा है? सर बेड तो है पर रूम में एसी नहीं है, ऊपर भी बहुत लगता है, इसलिए यहाँ आ गई। सिर्फ तुम एसी के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन की हो ना? ये देखिए तुम सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जिसका फ्यूचर लड़चट है ना उसको हम ज्यादा सजेस्ट नहीं करते, हिज फ्यूचर इज वेरी डार्क, इन डार्क, छोड़ दो इसको, सोने दो। ये देखिए एकदम सलाई लाइब्रेरी को होटल बना दिया, होटल, उठ उठ, तुमको भी साला ऐसी चाहिए, कहाँ सो रहा है यहाँ पे? सवाल समझ नहीं आ रहा था, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो सो जाएगा, पूछना ना चाहिए, हटो हटो। देखिए इसको क्वेश्चन में कुछ दिक्कत था, तो देखिए जैसे हम जैसे बड़े भाइयों का कर्तव्य है कि मेरा छोटा भाई अगर किसी मुसीबत में है, इसको सवाल नहीं आ रहा तो सॉल्व कर देते हैं तुरंत। अपने जूनियर के लिए मैं भी करती थी, मैं तो अपनी बुक्स नोट्स सब देती थी, फ्री में पैसे नहीं लेती थी, पागल हो क्या? तुमको कब आ रही? मेरा भी एक सवाल है। तुम्हारा भी सवाल है, बड़ा डिमांड है, कोचिंग खोल दे का। तो देखिए इसका सवाल है, पहले इसका सॉल्व करते हैं फिर तुम्हारा करेंगे, ठीक है? इसका सवाल है कि राजेश सोमवार को 55 किलो तरबूज खरीदता है और मंगलवार को फिर 78 किलो तरबूज खरीदता है, और शनिवार को सारे तरबूज 45% हानि पर बेच देता है जिससे 5,000 रुपया मिलता है, तो उसने कुल कितने रुपये का तरबूज सोमवार को 55 किलो खरीदा, मंगलवार को 78 किलो, और बाकी फिर 3 दिन नहीं खरीदा, और फिर 45% हाँ। बहन के चौके इतना तरबूज कहाँ खरीद रहा है जी? पहले देखो, देखो खरीदा पहले दिन को मान लेते हैं एक्स, दूसरे को वाई है, जो हुआ उसको 45% से माइनस कर देते हैं, तो एक्स में वाई माइनस कर देना और उसको 45 से भाग दे दो है, बाकी साला जोड़ लो, जोड़े के तो चीज है, इतना आसान आसान सवाल फंसल जाता है, इतना आसान सवाल पूछो मत करो, जब जोड़ो जोड़े के चीज है तुम अपना लग देगा। ये देखिए इसका भी एक सवाल है, इसका सवाल है यहाँ पे देखिए, पामिला रमेश की पोती है जिसकी शादी निकिता से हुई है, मुरली जो है अंकुर का साला है जिसकी 2 बेटियां हैं लेकिन कोई बेटा नहीं, राहुल कमल का ममेरा भाई और पामिला का भाई है, उदय और मनमय निकिता के दामाद हैं, वनमय की शादी आमनी से हुई है, 2 बेटियां और 1 बेटा है,
और यामिनी की बेटी मुरली अविवाहित है, तो यामिनी का राहुल से क्या संबंध है? ये निकल जाएगा। तो राहुल का शादी हुआ है अंकुर से? नहीं, राहुल का शादी हुआ है पामिला से, है? और पामिला की बेटी है निकिता, तो और निकिता का ससुर है कुछ रमेश, रमेश तो इसका इससे हुआ है, इसका तो इसके साली हुई। इतना सा आसान आंसर हो गया, साली। इसमें तो बुआ लिखा हुआ है। क्या लिखा? बुआ। बुआ लिखा हुआ है। अरे रंडी बाज फैमिली है इसका, माँ चौधर मतलब इसका शादी उससे हुआ, उसका दामाद, तो इसमें हम लड़ करे? इस तरह का सवाल बनाना ही नहीं चाहिए। कौन अपना बेटी दामाद है साला? देखो अपना जाके फैमिली में पता नहीं है किसका शादी किससे हुआ। ऐसा ही होता है। इस टाइप का सवाल मत बनाना, पर्सनल प्रॉब्लम है, सब सवाल बनाया जाता है जी, ठीक है? ये सब पर्सनल सब पे मत बनाना सवाल, फैमिली रिलेशन प्राइवेट मैटर होता है। इसमें क्वेश्चन है कौन दामाद बेटी, अपना देखो कौन दामाद बेटी है। कहाँ जी आप, कहाँ? अरे अरे आपसे मिले हम पहले, एक बार पहले मिले थे, यूपीएससी का आप कर रहे थे तैयारी ना? हाँ, तो अभी कोचिंग खोल दिया क्या? आप लाइब्रेरी खोल दिया क्या आपने? नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ पर, यहाँ भी पढ़ रहे हैं। कितना साल से कर रहे हैं तैयारी आप? 14 साल हो गए। देखिए पिछला बार हम इनसे मिले थे 12 साल हुआ था, अभी 14 साल हुआ है। जब आप यहाँ पे आए थे तैयारी करने तो आप जवान होंगे पूरा, अभी मतलब बाल बच्चा जैसा उम्र हो गया, दो को बच्चा भी हो जाता आपका शादी होता तो। एग्जाम कैसा जा रहा है अभी? पिछली बार थोड़ा सा नर्वस सा हो गया था, थोड़े हाथ कप कपाने से लगे थे, हाथ थरथरा लगा था ना। कलम रेगुलर पकड़िए, कुछ और पकड़िएगा तो थरथराएगा ना। अच्छा ये बताइए कि मतलब इस बार भी रिसेंट में भी एग्जाम हुआ है तो क्या अच्छा गया? वो मैंने दिया था और अच्छा भी गया था। अच्छा तो अभी ठीक गया था, इस बार हो जाएगा आपका? चू गया। कुछ चूहा दिया एग्जाम हॉल में जी? पेपर चू गया, लीक हो गया। पेपर लीक हो गया? देखिए 14 साल में एक बार अच्छा गया और वो भी पेपर लीक हो गया ना, है? बड़ा ही नहीं जो पेपर वन लीक मैं का मार का बोले। ये होने से ना बहुत देखिए अभी, अभी आपका पढ़ाई कंप्लीट है मतलब अभी कहाँ जा रहे हैं आप? थोड़ा सा ना पढ़ते पढ़ते स्ट्रेस सा हो गया। अच्छा। तो थोड़ा स्ट्रेस रूम में जा रहा था। स्ट्रेस हो गया ना जी। जाइए जाइए जाइए, 14 साल हो गया है अब देखिए छोड़ दीजिएगा। तो ये देखिए मतलब यहाँ पे जैसा हमने बताया कि यहाँ पे स्ट्रेस रिलीफ रूम भी है, और लाइब्रेरी वाला क्या करेगा, जगह ना देगा जी, पढ़ना तो तुमको खुद है, कोई पढ़ा देगा हाथ धर के? पढ़वे नहीं करता आदमी। देखिए आप ना भी पढ़े तो, देखिए सेल्फी ले रही है, ना भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो ब्याह कर लेता है कहीं जाके। यहाँ पे आओ जी, देखिए एक व्यक्ति यहाँ पे हमें मिला है पूरी लाइब्रेरी में, पहली बार देख रहे हैं, जो जी जान से पढ़ रहा है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा इसका सेटअप जबरदस्त है। हेलो हेलो भाई साहब, क्या नाम है आपका? जख्मी अरुण। जख्मी नाम है। तो आप यूपीएससी का तैयारी कैसा चल रहा है आपका? मैं तो सीए की तैयारी कर रहा हूँ ना। तो एक बुक तो यूपीएससी का है यहाँ पे, बुक तो यूपीएससी का है आपका? मेरी फीमेल फ्रेंड है, उसका डाउट क्लियर करना रहता है ना, तो इसीलिए। अच्छा मतलब आप कर रहे हैं सीए का तैयारी और फीमेल फ्रेंड यूपीएससी का, और उसका डाउट करने के लिए आप ही पढ़ रहे हैं ना, तो मतलब खुद का सीए नहीं निकल रहा बेटी चौधरी, वो गर्लफ्रेंड के चक्कर में अथी पढ़ रहा है, पढ़ा अपना यूपीएससी का किताब। देखिए लड़की का जो चक्कर होता है ना, इससे बच के रहना, खुद का मतलब निकल नहीं रहा, दूसरे का डाउट निकलवा रहा है, बाप का पैसा पैसे भेजते हुए हो रहा है, लूल बेटा लगा रहा है, बहन चो डर्मी कुल, या इनके समझे में नहीं आएगा। पढ़ो जी बढ़िया से, तुम जोड़ा आसान है एकदम, जोड़ लो हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इस तरह का है। अच्छा ये देखिए यहाँ पे आइए, साइलेंस वाले। देखिए स्ट्रेस रिलीफ रूम, जो कि हमने आपको शुरू में मतलब बताया था ना कि यहाँ पे एक रूम है जिसमें स्ट्रेस वगैरह के लिए चाय पानी स्पेशल इंतजाम है, वहाँ पे आइए। किधर है जी? अच्छा पर्दा लगा है, यहीं पे है, यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखते हैं। अरे भाई चोद क्या, ये क्या हो रहा है? क्या नाम है आपका? अलेक्जेंडर लोडियाल नाम है। ये देखिए इस तरह का मतलब लाइब्रेरी में, यहाँ पे पढ़ाई के जगह पे देखिए यहाँ पे रशियन का मतलब मसाज, देखिए स्पेशल मसाज रखा गया है, और इसी चक्कर में स्टूडेंट आ गया, तभी से माइक 14 साल यहाँ पे नहीं हुआ तैयारी करी करे, अब रोज आके मसाज करवा रहा होगा। इस तरह के देखिए इन्फॉर्मेट देगा तो क्या आदमी पढ़ेगा है? हमको खुद स्ट्रेस हो गया, आई एम वेरी स्ट्रेस। बैठ जा। ओके
हमरो स्ट्रेस हो गया जी थोड़ा हल्का। मैं चीज तो बढ़िया है। I have 6,000 रुपीस। I have 6,000 रुपीस। लाइब्रेरी, रास्कल लाइब्रेरी, हमारे लाइब्रेरी में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और इस तरह से एसी भी तो था नहीं, क्योंकि हमारे स्कूल की लाइब्रेरी तो लंबे लंबे बेंच होते थे, लंबे लंबे चेयर्स होते थे, वहां पे बैठकर आपको ऐसे एक ये में बैठना होता है। लेकिन बुक्स बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शन रहती थी वहां पे, बहुत अच्छा लगता था। और मैं शायद लाइब्रेरी में सिर्फ स्टोरी बुक पढ़ने ही जाती थी मैं, और बाकी तो अपने से ही कर लेती थी, क्योंकि टैलेंटेड हो ना इस प्यारी को सब समझ में आ जाता है बिना लाइब्रेरी गए। ये थी वीडियो, और इसे देखकर तो मुझे ना यूपीएससी की, मतलब जो यूपीएससी की तैयारी वाली वीडियो है, उसकी याद आ गई। और आप सबको कैसा लगा जरूर बताना, मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन उतना खास नहीं जैसे कि यूपीएससी की तैयारी में लगा था। अगर आपने नहीं देखा है ना, तो मैं एंड स्क्रीन में दे दूंगी, या फिर यहाँ कहीं आई बटन में दे दूंगी, तो आप सब देख लेना वहां पे। सच में वो वाला ना मस्त था, एकदम मस्त। तो इनकी वीडियोस मुझे अच्छी लगती है, और किसी ने कहा है कि और सारे वीडियोस के ऊपर रिएक्ट करने के लिए, तो मैं जल्दी ही करूंगी। सो आप सभी कमेंट सेक्शन में बोलना कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। और बस यार, ऐसे ही नेक्स्ट सूर में बहुत जल्द आप सबके लिए नए मजेदार वीडियो लेके आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।